नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बांग्लादेश से भारत आई शेख हसीना को पहली बार भारत में शॉपिंग करते हुए देखा गया। जी हां, सही सुन रहे हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देने के बाद इन दिनों भारत में है। वह अभी गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में है। बांग्लादेश की सेना ने शेख हसीना को इस्तीफा देने के लिए सिर्फ 45 मिनट का समय दिया था, जिसके बाद उन्होंने जल्दबाजी में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना इस्तीफा सौंपा और सिर्फ 4 सूटकेस और 2 बैग लेकर के जान बचा करके वो भारत आ गए। भारत आने के साथ ही शेख हसीना को शॉपिंग करते हुए देखा गया है। बता दें आपको कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना अपनी बहन रिहाना के साथ बुधवार को पहली बार सेफ हाउस से बाहर निकली। गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में वो नजर आई, जहां वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से जरूरत का सामान सहित कई साड़ी और कपड़े खरीदती हुई नजर आई। सूत्रों के अनुसार ये भी खबर सामने आ रही है कि उन्होंने करीब 30,000 रुपए की खरीदारी की है। हालांकि शॉपिंग का पेमेंट शेख हसीना ने भारतीय रुपये में ही किया, हालांकि इस दौरान नोट भी कम पड़ गए थे, जिसके बाद उन्होंने बाकी का भुगतान बांग्लादेशी करेंसी में किया है। आपको बता दें कि शेख हसीना साड़ी पहनने के काफ़ी शौकीन है। वो हमेशा से ही एक खास तरह की साड़ी में नजर आती है, जिसे हम जामदानी साड़ी कहते हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश के ढाका में बनने वाली ये साड़ी पूरी तरह से हैंडमेड होती है। इससे इसको बनाने में करीब 20 दिन का समय लगता है और ये साड़ियाँ कॉटन और सिल्क में मिलती होती है, यानी कॉटन और सिल्क का मिश्रण होता है, जिसकी कीमत लाखों में होती है। शेख हसीना दुनिया की अकेली ऐसी महिला प्रधानमंत्री है जो सिर पर पल्लू लेते हुए गरिमामयी तरीके से साड़ी को पहनती है। वो चाहे देश हो या फिर विदेश हो, हर जगह उनकी वेशभूषा साड़ी ही होती है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि शेख हसीना केवल साड़ी पहनती ही नहीं है, बल्कि दुनिया भर में जब भी वो कहीं जाती है तो वो इन साड़ियों को बतौर गिफ्ट के रूप में भी लेकर जाती है। जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे तो वो हमेशा उनकी पत्नी के लिए ये साड़ियाँ उपहार के तौर पर लेकर जाया करती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ के लिए भी वो खास जामदानी साड़ी बतौर उपहार के रूप में लेकर के गई थी। लेकिन फिलहाल शेख हसीना भारत में अपनी बहन के पास गाजियाबाद में मौजूद है और अब आगे ये देखना होगा कि शेख हसीना का अब दूसरा ठिकाना कहाँ होता है, क्योंकि खबर ये आ रही है कि शेख हसीना बहुत जल्द भारत छोड़ेंगी और भारत छोड़ करके वो कहीं और जाएंगी। लेकिन कहाँ अब शेख हसीना का दूसरा ठिकाना होता है, ये फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। और भी इसी वीडियो के लिए बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।